पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, इस तरह से पार्टी का एक सिस्टम है और पार्टी अपने तौर पर निश्चित तौर पर हर बात का अध्ययन करती है और भारतीय जनता पार्टी संगठन और विचारधारा की पार्टी है, तो संगठन के तौर पर हम सतत सक्रिय हैं, संघर्षशील हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता घरों से निकले और हर व्यक्ति को अपने मत के अधिकार का उपयोग करना चाहिए। एक बात निश्चित है कि समाज का वंचित शोषित तबका जो आज भारतीय जनता पार्टी की ओर और बिहार के भविष्य को लेकर, इस देश के भविष्य को लेकर नरेंद्र मोदी जी की ओर निगाहें उठाए हुए हैं, तो भाजपा अपने वोट निश्चित तौर पर सुनिश्चित कर रही है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए एक एक वोट पड़े। और हम इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 सीटें तो पार करेंगे ही, बिहार में भी हम 40 की 40 सीटें जीतने के लिए संघर्षरत हैं और हम काम कर रहे हैं। निखिल जी, एक सवाल। विपक्ष कह रहा है कि वोटरों में उत्साह नहीं है मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने। ये विपक्ष अपने गिरेबान में झांके, विपक्ष कोई सार्थक मुद्दों की बात थोड़े ही कर रहा है। विपक्ष धार्मिक तुष्टिकरण की नीति, मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति, और तेजस्वी यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री जी पर उन्होंने टिप्पणी की, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव इल्यूजन के शिकार हैं और हेलुसिनेशन के वो शिकार हैं, वो भ्रम के शिकार हैं। तेजस्वी जी को जमीन का पता नहीं है, चुनाव परिणाम जब सामने आएगा तो उनको ऐसा दिखेगा कि जिस हाइपोथेसिस के आधार पर वो राजनीति कर रहे हैं तो उसका भ्रम उनको दूर हो जाएगा। 5 मिनट आज का विषय हो गया है, अभी 5 मिनट आज का और रुकेंगे। अभी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन बातों को लेकर हम यहाँ आप सबके समक्ष अपनी बात रखेंगे, राष्ट्रीय परिदृश्य में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 मिनट के लिए अंग्रेजी में अपनी बात रखने के बाद हम लोग हिंदी में उन बातों को दोहराएंगे और बाद में जो सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ डन अ लॉट फॉर द ओबीसी कम्युनिटी ऑफ दिस कंट्री। ही इज़ द वन हु हैज़ इंश्योर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। बिसाइड्स गिविंग providing an opportunity for the OBC entrepreneurs through venture capital fund, giving reservation to OBCs in the admissions of Navodaya Vidyalaya, Kendriya Vidyalaya, Sainik School, like premier institutions, schools. We want to say that India Alliance led by Congress Party has been historically opposed to the OBC interest in this country. Everyone knows that how they have treated the Kaka Kalelkar Commission and the Mandal Commission and threw them into the dustbin of history. But it is our party, Bharatiya Janata Party, which has ensured not only the formation of Mandal Commission, but implementation of Mandal Commission. And now there is a conspiracy going on in this country to dilute the OBC reservation. In
ऑल द स्टेट्स वेयर एवर कांग्रेस पार्टी इज इन पावर और कांग्रेस सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज आर इन पावर दे आर इंश्योरिंग दैट द मुस्लिम्स इन ब्लॉक बी गिवन रिजर्वेशन विद इन द कोटा ऑफ ओबीसीज इट मीन्स ओबीसीज आर लूजिंग इट्स राइट टू गेट शेयर इन द जॉब्स एंड पावर सेंटर्स ऑफ दिस कंट्री वी आर अपोज टू दिस पॉलिसी टू थंबनेल बीजेपी विल एंश्योर दैट ओबीसी रिजर्वेशन इज नॉट डायल्यूटेड एंड ओबीसीज मस्ट गेट इट्स ड्यू विद इन द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑलरेडी The OBC Muslims are getting reservation through Mandal Commission. But why there is a need to include all Muslims at par with OBCs? The upper caste Muslims are termed as OBCs and given reservation. A separate quota for Muslims are being created within the quota of OBCs. It is completely wrong, uncalled for. And unconstitutional. And in the coming days, the way Indie Alliance people are playing with the interest and sentiment of OBCs, I think there is a need. The time has come when all the minority institutions in this country must provide reservation for SC, ST, OBCs, not only in reservation, but in the jobs of all these premier minority institutions. And in coming days, BJP OBC Morcha will ensure that OBC interest is not diluted, the OBC reservation is not being given to anybody else, and we will fight this battle tooth and nail. And Indie Alliance कांग्रेस आरजेडी लाइक पार्टीज हैज बीन एक्सपोज्ड साथियों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और पटना ग्रामीण के महामंत्री रवि जी वो भी मंच पे आ जाए आइए देखिए आगे उनका नाम सब अभी जो हम सबों के बीच हमारे भाजपा परिवार में शामिल होंगे उसमें रंजीत कुमार जी जो है जो वार्ड पार्षद भी है वो मंच पर आ जाए आदरणीय निखिल आनंद जी से अनुरोध है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अंग वस्त्र उठाकर उनको पार्टी में शामिल कराएं आदरणीय सुनील कुमार जी और अजीत कुमार सिंह जी आई ये तीनों मनेर नगर परिषद के इलेक्टेड मेंबर हैं और रंजीत कुमार जी मनेर नगर परिषद के वार्ड 16 से निर्वाचित तीसरी बार निर्वाचित प्रतिनिधि हैं धर्मेंद्र जी उनका पार्टी में स्वागत कर रहे हैं माला होगा ना सूर्य कुमार नील कुमार जी भाई साहब ये सुनील कुमार भूपेंद्र कुमार गुप्ता हैं जो वार्ड 12 से सदस्य निर्वाचित हैं इस बार मनेर नगर परिषद से और अजीत कुमार सिंह जी हैं जो वार्ड 15 के सदस्य हैं और ये दूसरी बार निर्वाचित सदस्य हैं ये सभी साथी काफी मजबूत कार्यकर्ता हैं नेता हैं और मैं पटना ग्रामीण जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार जी से और रवि जी महामंत्री हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि सदस्यता की स्लिप उनको प्रदान करें अजीत जी उनको बुलाएं रंजीत भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद सम्राट चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
ओबीसी समाज के हित के लिए और हक के लिए, उनके मान सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए बड़े काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं। इसमें जो सबसे बड़ा कदम है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, और संवैधानिक दर्जा देने के बाद अब कम से कम ओबीसी आरक्षण पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, इस आरक्षण को खत्म करने की हिमाकत नहीं कर सकता है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया अलायंस पार्टियां, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है, आज धार्मिक तुष्टिकरण और मुस्लिम परस्ती की नीति के तहत ओबीसी आरक्षण की हकमारी करने में लगी है। और जिस तरीके से कांग्रेस शासित कई राज्यों में, वामपंथी शासित राज्यों में, पिछड़े वर्गों के आरक्षण के भीतर मुसलमानों के लिए विशेष कोटा का प्रावधान किया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा ओबीसी मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करेगी। और हम इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ओबीसी की हकमारी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पश्चिम बंगाल के भीतर जिस तरीके से रोहंगिया और घुसपैठियों को पिछड़े वर्ग का दर्जा देकर के ओबीसी के कोटा में शामिल किया गया, उनको आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, और पूरे मुस्लिम समाज को जिसमें सवर्ण मुस्लिम भी शामिल हैं उनको पिछड़ा मानकर ओबीसी आरक्षण का लाभ इन टोटो देने की कोशिश हो रही। ये एक तरीके से ओबीसी आरक्षण के भीतर धार्मिक आरक्षण देने की जो कवायद कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित पार्टियों ने की है वह बहुत ही घातक है, विघटनकारी और विभाजनकारी है, असंवैधानिक है, इसका हम सभी विरोध करते हैं। अब तो जो स्थिति है उसमें निश्चित तौर पर एक सवाल उठता है, और हम जरूरत भी महसूस कर रहे हैं कि देश के जितने भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ भी एससी एसटी और ओबीसी को एडमिशन में आरक्षण मिलना चाहिए, वहाँ उन संस्थानों में नौकरियों में भी एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। और जो देश में हो रहा है कि धार्मिक तुष्टिकरण की नीति के कारण जो ये सेक्युलरवाद की राजनीति है, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति, ये निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय की राजनीति के खिलाफ है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जिस तरीके से धार्मिक तुष्टिकरण और मुस्लिम परस्ती को बढ़ावा दिया जा रहा है, यह सामाजिक न्याय विरोधी अवधारणा है, और इसको तूल देकर पिछड़ों की सबसे ज़्यादा हकमारी करने की कोशिश की जा रही है, पिछड़ों के इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं, और इंडिया अलायंस पार्टियों को और बिहार की जनता से और देश की जनता से आह्वान करते हैं कि ये पार्टियां जो पिछड़ों के और सामाजिक न्याय की बात करती हैं लेकिन इसकी आड़ में मुस्लिम परस्ती और धार्मिक तुष्टिकरण की नीति को तूल देकर जो समाज के वंचित शोषित वर्ग के लोग हैं उनके साथ अन्याय करने का काम कर रही है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया है, और इससे हम पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों का गौरव मान सम्मान बढ़ा है। आने वाले दिनों में ये कांग्रेस की चाल, राष्ट्रीय जनता दल की जो चाल है कि ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों को जगह देकर ओबीसी की हकमारी की जा रही है, तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से भी और प्रधानमंत्री जी को भी हम पत्र लिखेंगे कि एक निश्चित तौर पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जहां कई राज्यों में सवर्ण मुसलमानों को ओबीसी घोषित करके आरक्षण दिया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामान्य वर्ग के गरीबों को के लिए विशेष 10% आरक्षण का प्रावधान किया है, जिसके अंतर्गत जो सामान्य वर्ग के हिंदू मुसलमान किसी भी धर्म के लोग आरक्षण का लाभ ले सकते हैं,
तब ओबीसी आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने की कांग्रेस और आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और वामपंथी दल जो केरल में है, इनकी साजिश और चाल को हम समझ चुके हैं और देश की जनता से हम अपील करना चाहते हैं इस लोकसभा चुनाव में कि समस्त देश लोगों को एकजुट होकर कांग्रेस की चाल के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना चाहिए और हम आने वाले दिनों में सुनिश्चित करेंगे कि ओबीसी की आरक्षण के भीतर जिस किसी भी मुस्लिम समाज के जातियों को, सवर्ण जातियों को घुसेर कर जबरन आरक्षण देने का जो काम किया जा रहा है, इनको बाहर निकाल बाहर किया जाए। और आज ये महत्वपूर्ण विषय है जो सिर्फ बिहार के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी के माध्यम से हम देश की जनता से के समक्ष ये बात रखने आए थे और हम अपील करने आए थे और हम चाहते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश की जनता और बिहार की जनता जागरूक हो और हम सभी इस एजेंडे को लेकर के ओबीसी के हक और ओबीसी के मान सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए हम सभी कृतसंकल्पित हैं। धन्यवाद। सर, महिला कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है अलका लांबा ने प्रधानमंत्री की तुलना जो है रावण से की। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समाज के वंचित, शोषित, गरीब, ओबीसी, अति पिछड़े समाज के का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस वर्ग से आते हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हम सभी के वंचित, शोषित तबके से निकला हुआ शख्स आज देश के प्रधानमंत्री के पद पर काबिज है, जिसने भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में गौरवान्वित किया है। और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आपको याद होगा कि अलका लांबा तो बहुत कांग्रेस की राजनीति में किस पायदान पर हायरार्की सिस्टम में है, उनकी शीर्ष नेता सोनिया गांधी जी ने कभी उनको खून का सौदागर और मौत का सौदागर कहा था। और मनीष शंकर अय्यर ने क्या कहा, सलमान खुर्शीद ने क्या कहा, ये सबको पता है। और समाज के जो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, जब शीर्ष पदों पर पहुंचते हैं तो जो एलीट साइकिया है वो बार बार इस तरह से प्रॉम्प्ट करता है कि उनको डेमोरलाइज करने के लिए, उनके मान सम्मान को घटाने के लिए इस तरीके की घटिया शब्दों से उनको संबोधित करने का काम करती है। पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज देश का देख रहा है और इसका जवाब कांग्रेस, पूरे देश में कांग्रेस को हम देंगे। मुकेश सहनी ने कहा है कि अमीरों के धन को छीनकर गरीबों में बांटा जाएगा अगर हमारी सरकार आती है। देखिए, मुकेश सहनी जी संघर्ष करते हैं, अपने समाज के हक की बात करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि अमीरों की धन संपत्ति छीनकर गरीबों में बांटी जाएगी, ये तो वही बात कर रहे हैं जब किसी जमाने में नक्सलवाद का दौर था तो कहा जाता था कि बड़े लोगों को छीन छोटा करके हम सबको बराबर करेंगे। और ऐसी विध्वंसकारी और डिवाइसिव पॉलिसी हम एंडोर्स नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि जो जितना संघर्ष करे, मेहनत करे और जो जितना सम्मान जिसका हो उतना उसको सुनिश्चित होना चाहिए, समाज के सभी क्षेत्रों में वंचित, शोषित तबके को भागीदारी मिले, न्याय मिले और सामाजिक न्याय और बराबरी, समानता के सिद्धांत पर और सामाजिक समरसता के सिद्धांत पर हम चलने वाले लोग हैं, समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए बात करते हैं। मुकेश सहनी जी को याद दिलाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो मत्स्य संपदा योजना के तहत कितने हजारों करोड़ की योजना, जो फेज वाइज मैनर में 50,000 करोड़ के लगभग इम्प्लीमेंट की जा रही है, जिससे नीली क्रांति पूरे देश में होने जा रही है। जो हमारा फिशरीज कम्युनिटी है पूरे देश में वो एम्पावर्ड हो रहा है, जो मेन स्ट्रीम में, सिर्फ पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में इस देश के आ रहा है। तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो
मत्स्य जीवी समाज के लिए जो किया है उससे संबंधित उन कामों को उनको पढ़ना चाहिए। नहीं तो हम लोग निश्चित तौर पर मुकेश सहनी जी को, नरेंद्र मोदी जी ने जो मत्स्य जीवी समाज के लिए किया है उसको हम लोग भेंट करेंगे। और पटना ग्रामीण के महामंत्री रवि जी वो भी मंच पे आ जाए, आइए देख जाएगा उनका नाम सब। अभी जो हम सबों के बीच हमारे भाजपा परिवार में शामिल होंगे उसमें रंजीत कुमार जी जो है जो वार्ड पार्षद भी है वो मंच पर आ जाए। आदरणीय निखिल आनंद जी सर बोल रहे हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अंगवस्त्र उड़ाकर उनको पार्टी में शामिल कराए। आदरणीय सुनील कुमार जी और अजीत कुमार सिंह जी आई। ये तीनों मनेर नगर परिषद के इलेक्टेड मेंबर हैं और रंजीत कुमार जी मनेर नगर परिषद के वार्ड 16 से निर्वाचित, तीसरी बार निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। धर्मेंद्र जी उनका पार्टी में स्वागत कर रहे हैं। माला होगा ना, सूर्य कुमार नेम कुमार जी भाई साहब आपने बीमार। ये सुनील कुमार भूपेंद्र कुमार गुप्ता हैं जो वार्ड 12 से सदस्य निर्वाचित हैं इस बार मनेर नगर परिषद से। और अजीत कुमार सिंह जी हैं जो वार्ड 15 के सदस्य हैं और ये दूसरी बार निर्वाचित सदस्य हैं। ये सभी साथी काफी मजबूत कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और मैं पटना ग्रामीण जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार जी से और रवि जी महामंत्री हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि सदस्यता की स्लिप उनको प्रदान करें। अजीत जी उनको बुलाएं, रंजीत भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद सम्राट चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन बातों को लेकर हम यहाँ आप सबके समक्ष अपनी बात रखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 मिनट के लिए अंग्रेजी में अपनी बात रखने के बाद हम लोग हिंदी में उन बातों को दोहराएंगे और बाद में जो सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ डन अ लॉट फॉर द ओबीसी कम्युनिटी ऑफ दिस कंट्री। ही इज़ द वन हु हैज़ इंश्योर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। बिसाइड्स गिविंग providing an opportunity for the OBC entrepreneurs through venture capital fund, giving reservation to OBCs in the admissions of Navodaya Vidyalaya, Kendriya Vidyalaya, Sainik School, like premier institutions, schools. We want to say that Indy Alliance led by Congress Party has been historically opposed to the OBC interest in this country. Everyone knows that how they have treated the Kaka Kalelkar Commission and the Mandal Commission and threw them into the dustbin of history. But it is our party, Bharatiya Janata Party, which has ensured not only the formation of Mandal Commission, but implementation of Mandal Commission. And now there is a conspiracy
going on in this country to dilute the OBC reservation in all the states wherever Congress party is in power or Congress supporting political parties are in power. They are ensuring that the Muslims in bloc be given reservation within the quota of OBCs. It means OBCs are losing its right to get share in the jobs and power centers of this country. We are opposed to this policy tooth and nail. BJP will ensure that OBC reservation is not diluted and OBCs must get its due within the reservation policy. Already, the OBC Muslims are getting reservation through Mandal Commission. But why there is a need to include all Muslims at par with OBCs? The upper caste Muslims are termed as OBCs and given reservation. A separate quota for Muslims are being created within the quota of OBCs. It is completely wrong, uncalled for, and unconstitutional. And in the coming days, the way Indie Alliance people are playing with the interest and sentiment of OBCs, I think there is a need. The time has come when all the minority institutions in this country must provide reservation for SC, ST, OBCs, not only in reservation, but in the jobs of all these premier minority institutions. And in coming days, BJP OBC Morcha will ensure that OBC interest is not diluted. The OBC reservation is not being given to anybody else. And we will fight this battle tooth and nail. And Indie Alliance, Congress, RJD-like parties has been exposed. Sathiyon, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन बातों को लेकर हम यहां आप सबके समक्ष अपनी बात रखेंगे, राष्ट्रीय परिदृश्य में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 मिनट के लिए अंग्रेजी में अपनी बात रखने के बाद हम लोग हिंदी में उन बातों को दोहराएंगे और बाद में जो सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ डन अ लॉट फॉर द ओबीसी कम्युनिटी ऑफ दिस कंट्री। ही इज़ द वन हु हैज़ इंश्योर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ National Commission for Backward Classes. Besides providing an opportunity for the OBC entrepreneurs through venture capital fund, giving reservation to OBCs in the admissions of Navodaya Vidyalaya, Kendriya Vidyalaya, Sainik School, like premier institutions, schools, we want to say that Indie Alliance led by Congress party has been historically opposed to the OBC interest in this country. Everyone knows that how they have treated the Kaka Kalelkar Commission and the Mandal Commission and threw them into the dustbin of history. But it is our party, Bharatiya Janata Party, which has ensured not only the formation of Mandal Commission, but implementation of Mandal Commission.
And now there is a conspiracy going on in this country to dilute the OBC reservation. In all the states wherever Congress party is in power or Congress supporting political parties are in power, they are ensuring that the Muslims in bloc be given reservation within the quota of OBCs. It means OBCs are losing its right to get share in the jobs and power centers of this country. We are opposed to this policy tooth and nail. BJP will ensure that OBC reservation is not diluted and OBCs must get its due within the reservation policy. Already, the OBC Muslims are getting reservation through Mandal Commission. But why there is a need to include all Muslims at par with OBCs? The upper caste Muslims are termed as OBCs and given reservation. A separate quota for Muslims are being created within the quota of OBCs. It is completely wrong, uncalled for, and unconstitutional. And in the coming days, the way India Alliance people are playing with the interest and sentiment of OBCs, I think there is a need. The time has come when all the minority institutions in this country must provide reservation for SC, ST, OBCs, not only in reservation, but in the jobs of all these premier minority institutions. And in coming days, BJP OBC Morcha will ensure that OBC interest is not diluted, the OBC reservation is not being given to anybody else, and we will fight this battle tooth and nail. And India Alliance, Congress, RJD like parties has been exposed. Sathiyon, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।